नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर निगम के एक नए और बड़े नियम के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आयोग की तरफ से तो तैयारी हो ही रही है, साथ ही साथ अब उम्मीदवारों ने भी चुनाव को लेकर कमर कसना शुरू कर दिया है। बता दें कि इस बार होने वाले नगर निगम चुनाव में कई अहम और बड़े बदलाव किए गए हैं। बता दें कि सबसे पहले तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद इन सभी का आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके साथ ही साथ इस बार इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी पदों के लिए होने वाले चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाए जाएंगे। बता दें कि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव मत के माध्यम से होगा। इसमें पैसे से वार्ड को खरीदने का मामला कई बार सामने आया था, जिसके बाद से सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर के पद को आम चुनाव के लिए शामिल कर लिया है। इन सबके बीच में एक अहम बात यह भी बताया जा रहा है कि इस बार भी दो बच्चों वाला कानून लागू रहेगा, यानी कि जिस माता पिता के पास दो बच्चे हैं वही नगर निगम का चुनाव लड़ सकते हैं, दो से अधिक बच्चों के माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकते। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान हैं और वे इसे किसी को गोद में दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी वह बच्चा जैविक पिता वही कहलाएंगे। जो भी व्यक्ति उस बच्चे को गोद लिया है वह उसके पिता नहीं माने जाएंगे। यानी कि किसी उम्मीदवार, समर्थक या प्रस्तावक द्वारा अपने बच्चों को गोद लिए जाने के बाद भी उनके वास्तविक बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं मानी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ निर्वाचन पदाधिकारियों को दो बच्चों से अतिरिक्त दत्तक संतान को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि दिनांक 4/4/2008 को या उससे पहले दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति द्वारा यदि पार्षद, उपमुख पार्षद, मुख्य पार्षद पर के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो उनके नामांकन पत्र को संतान के संख्या के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। आयोग ने यह भी बताया है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 18(1)(ड) के प्रावधान दिनांक 4/4/2008 के बाद प्रवृत्त होता है। अतः किसी व्यक्ति के जीवित संतान की संख्या यदि दो से ज्यादा हो तथा उसमें एक या एक से अधिक का जन्म दिनांक 4/4/2008 के बाद हुआ हो तो वह व्यक्ति नगरपालिका के किसी पद पर निर्वाचन के अयोग्य माना जाएगा एवं उसका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो एक तरह से कहना कि नगर निगम के चुनाव को लेकर अब तैयारियां जो है जोरों पे है। एक तरफ जहां आयोग अपने नए नए अपडेट साझा कर रहा है तो वहीं उम्मीदवार भी जो है अपनी इच्छाओं को लेकर, अपने मन लुभावने वादों को लेकर वे मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं और इस बार जीत को लेकर जो है अपनी बात कह रहे हैं ताकि उम्मीदवारों को जो है उनका मत मिल सके। हालांकि अभी आरक्षण रोस्टर आना बाकी है, अभी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है। ऐसे में उम्मीदवार बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाए और उसके बाद जो है नामांकन की तिथियाँ सामने आ सके, ताकि एक तरह से कहें कि बाड़ों में जो है चुनावों की गहमागहमी और भी तेज हो सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।